पब्लिक टीवी आपकी आवाज। रामगंगा बिहार स्थित कांट रोड के पीछे गंगा आरोग्य धाम में 6 दिवसीय प्राकृतिक चिकित्सा शिविर का आयोजन किया गया, जिसका शुभारंभ दीप और यज्ञ द्वारा किया गया। इसमें डॉक्टर रूपा घोष और डॉक्टर महजबी परवीर ने मरीजों का परीक्षण किया। सुबह 10 बजे से शाम 5 बजे तक 80 मरीजों का परीक्षण किया गया। सर्वाधिक 42 से ज्यादा उम्र के मरीजों में गठिया की दिक्कतें सामने आई, जिन्हें चलने और बैठने में ज्यादा परेशानियां थी। मरीजों को प्राकृतिक चिकित्सा भी दी गई, जैसे जड़ी बूटियों का लेप, ट्रैक्शन, भाप स्नान, गर्मपाद स्नान दिया गया। गठिया के दर्द के मरीजों को खान पान के बारे में बताया गया। वह अपनी डाइट में अंकुरित आहार, मौसमी फल, सब्जियों का सलाद, नींबू पानी, दलिया, मूंग की दाल की खिचड़ी लेने की भी सलाह दी गई। परहेज मैदा, खटाई, चावल, अरबी, भिंडी आदि, इन सभी से दूर रहने की बात कही गई। दीप प्रज्वलन शिखा गुप्ता, रीता सिंह, एकता जैन ने संयुक्त रूप से किया। प्रेमलता सक्सेना, भावना सरल, जमीर अहमद, खैरून निशा, स्वाति शिवानी आदि का विशेष सहयोग रहा।